हेलो फ्रेंड, क्रांति किचन डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीठा खाना किसे नहीं पसंद है, किसी भी ओकेजन पर बिना मीठा खाए किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इसलिए मीठे में मैं आप लोगों को बताएंगे दाल की फेमस मावा पायस रेसिपी, जिसे खाने के बाद और फिर खाना चाहेंगे। बंगाल में किसी भी पूजा में भोग के रूप में इसे बनाया जाता है। देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैंने यहाँ मावा की जगह कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाला है, तो इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मावा पायस बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध, आप चाहे तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, 150 ग्राम चीनी, 200 ग्राम लाल बतासा, अगर आपके पास लाल बतासा ना हो तो आप और चीनी ऐड कर दीजिएगा, काजू 10 से 12, इलायची 4, किशमिश 15 से 20, तेज पत्ते 4। मैंने यहाँ गोभी मुख चावल लिया है, आप चाहे तो कोई भी खीर का चावल ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। मैंने यहाँ एक पतीला में दूध को गैस पर रख दिया है, इसे अब बॉयल आने दूंगी। दूध में बॉयल आ चुका है, हमने इसमें ऐड कर दिया चावल। इसे 2-2 मिनट पर कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो चावल नीचे चिपक जाएंगे। अभी मैं ऐड करूं इसमें तेज पत्ता, तेज पत्ते का अच्छे से धो लिया है, इसे ऐड करूंगी। पांच मिनट हो चुके हैं, अब मैं ऐड कर रही हूँ बतासा। मैं इसी टाइम पे बतासा ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे खीर का कलर बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी काफी सौंदर्यपन आता है। अगर आप चीनी डालेंगे तो चीनी इस टाइम पे नहीं डालेंगे। मैं यहाँ बतासा ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अभी डाला है और मैं बाद में चीनी ऐड करूंगी इसमें। दूध में जब मैं बतासा ऐड करूंगी तो दूध कभी फटेगा नहीं। अगर मैं यहाँ गुड़ यूज करती तो दूध फट जाता, इसीलिए आपके पास अगर पॉसिबल हो बतासा है तो आप बतासा डाल के जरूर बनाइएगा, इससे खीर का स्वाद काफी अच्छा आता है। 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और पायस भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं ऐड करूंगी चीनी और इसे भी मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश, काजू। मैंने काजू किशमिश को पहले अच्छे से धो लिया था। अब मैं ऐड करने वाली हूँ पायस की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ मावा का यूज नहीं किया है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप इसे डालकर जरूर बनाइएगा और इसे धीरे धीरे कंटिन्यू चलाना है जिससे मिल्क पाउडर खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसे खीर भी बोल सकते हैं या पायस भी बोल सकते हैं। गैस को लो फ्लेम करके लगातार चलाते हुए मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करना, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। ये देखिए फिर मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छे से पायस में मिक्स हो गया है और इससे इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया और कितना ही गाढ़ा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो मावा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मिल्क पाउडर यूज़ किया है क्योंकि इससे पायस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पायस हमारा बनकर रेडी है, यहाँ पर मैं फाइनल टच दे रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर, यहाँ मैंने इलायची को थोड़ा क्रश कर लिया था। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ठंडे होने पर इसे एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा काजू और किशमिश से इस पर रखूंगी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, ये बतासा देने से आता है।
ये देखिए हमारा पायस बनकर तैयार है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।